तमाम दोस्त ध्यान रखनी चाहिए कि कारकुन हमारी जमात का सरमाया होते हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होकर बैठना भी यही मकसद है कि हाजी हमीद साहब की जो खिदमत हैं वो जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हमें इंशाल्लाह हमें याद रहेगी। उनकी कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। वो हम उनकी फैमिली के लिए दिन हो रात हो हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। मकसद मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन को खराज तहसीन पेश करना है कि जिनकी बेलौस और नहायत ही मजबूत पार्टी के साथ वाबस्तगी हम सब के लिए एक फ़ख्र का बात थी और आज उनके चले जाने के साथ जो खला पैदा हुआ है बिला शुबा मैं कह सकता हूँ कि हाजी हमीद की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता चूँकि वो ख़ुद अपनी ज़ात में एक इनफरादी शख्सियत के हामिल थे। जिस किस्म की भी मुश्किलात से हमने इनको उनका सामना किया चाहे वो जेल हो चाहे वो कोई और मसला हो वो कभी किसी बात से नहीं घबराए। तो माशाल्लाह हसन साहब ख्वाजा वसीम पार साहब पीर साहब की बहुत काफ़ी हैं कि वो इंशाल्लाह दूसरों की से ज़्यादा हमारे वाले साहब को माशाल्लाह टाइम देते थे, उनकी इज्जत करते थे और हमारे हर सुख दुख में शरीक हुए थे। चाहे शादी हो चाहे कोई खुशी हो चाहे गमी हो चाहे कोई ऐसा वैसा काम हो चाहे कोई काम मुल्क में हो चाहे बाहर हो, लेकिन उन्होंने किसी भी काम करते समय ग्रेज़ नहीं किया और कभी भी वहाँ कोई काम हो कोई मुश्किल वक्त हम पे आया तो उन्होंने हमारा कंधे से कंधा जोड़ के हमारा साथ दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितना वक्त हमारे हाज साहब ने उनके साथ गुजारा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा है। तो उसके अलावा जितने मजमे में बैठे अगर हाज साहब की तरफ से ना कोई किसी की दिल आजारी हुई हो तो हम उसे माजत करते हैं।